फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और इंग्लिश मिनी मॉक टेस्ट, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है आपके एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम के लिए। स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस फोर वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड, आउट ऑफ विच वन वर्ड इज मिसस्पेल्ड, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो ये आपको एक क्वेश्चन दिए गए हैं, नीचे आपको इसमें जो है मिसस्पेल्ड जो वर्ड है वो बताना है, जिसकी स्पेलिंग जो है आपको गलत लग रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस, द थीव वॉज फ्यूरियस डेट ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग इन द हाउस एंड डिसाइडेड टू मर्डर द इनोसेंट रेजिडेंट। तो ये जो सेंटेंस है इसमें जो हमें एरर दिख रहा है वो है थीफ में, क्योंकि थीफ की स्पेलिंग क्या होते हैं, टी एच आई ई एफ। तो थीफ आपको पता है क्या होता है, थीफ होता है चोर। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में भी हमें बताना है कौन सा जो है मिसस्पेल्ड वर्ड है। ठीक है, तो इसमें तो लेथर्जी हैज टेकन ओवर हिज एंटायर एग्जिस्टेंस एंड ही स्पेंड हिज डे लैंग्विशिंग इन आइडलनेस। तो इस पार्ट में जो एरर है वो है लेथर्जी में, क्योंकि लेथर्जी की स्पेलिंग क्या होते हैं, एल ई टी एच ए आर जी वाई, लेथर्जी। लेथर्जी का मतलब होता है लैक ऑफ एंथुजियाज्म। ठीक है, उत्साह की जो कमी होती है, एनर्जी की जो कमी होती है, उसे हम बोलते हैं लेथर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, द मिनिस्टर हैड पर्पसली रेज्ड हिज वॉइस एंड अस्यूम एन एयर ऑफ कमांड टू इंटीमिडिएट दोज कावर्डली डेमन्स ऑफ मैन। तो आप बताइए इसमें एरर कहाँ पे है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि पर्पसली में यहाँ पे एरर है। पर्पसली की स्पेलिंग होती है पी यू आर पी ओ एस ई एल वाई। पर्पसली का मतलब होता है जो इंटेंशन के साथ किया गया हो, जानबूझकर किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे पर्पसली की स्पेलिंग गलत है। तो पर्पसली की स्पेलिंग है पी यू आर पी ओ एस ई एल वाई। नेक्स्ट हमारे पास, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो है ये क्लॉज टेस्ट हो गया एक तरह का, या फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में आपके आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको उसे बताना है इनमें से कौन सा वर्ड जो है सेंटेंस में फिल होगा। ठीक है, इसमें ऑलरेडी जो आपको दिख रहा है कि ब्यूटीफुल यहाँ पे आएगा, लेकिन ब्यूटीफुल यहाँ आएगा क्यों ये हम देखते हैं। ठीक है, तो आंसर, द डैश आईज ऑफ द स्टैच्यू कैप्टिवेटेड द ऑनलुकर्स। तो कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है, किसी को अट्रैक्ट करना। ठीक है, बात की गई है आईज की, तो स्टैच्यू की आईज जो है वो जो है अट्रैक्ट कर रही है किसको, जो देखने वाले हैं उनको अट्रैक्ट कर रही है। तो कैसी आईज होगी स्टैच्यू की, हॉरिफिक। हॉरिफिक तो होती है डरावनी, तो ये तो बिल्कुल नहीं सेंटेंस आएगा यहाँ, क्योंकि डरावनी चीज अट्रैक्ट थोड़ी ना करेगी। ठीक है, डर्टी चीज भी अट्रैक्ट नहीं करती है। ठीक है, का मतलब होता है बहुत बुरा, तो पैथेटिक भी यहाँ नहीं आएगा। डिमोनिक क्या होता है, डिमोनिक होता है शैतानिक। ठीक है, तो शैतानी आईज जो है वो तो अट्रैक्ट करेंगे नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया, ब्यूटीफुल आईज। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास, हिज अटर डैश एंड डिसरिगार्ड फॉर द रूल्स ऑफ द जंगल लीड हिम टू हिज डिमाइज। तो इस सेंटेंस में हमें बताना है कौन सा वर्ड जो है आएगा। ठीक है, तो यहाँ इग्नोरेंस आएगा, तो इग्नोरेंस यहाँ पे क्यों आएगा वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब होता है केयरफुल लुक। ठीक है, केयरफुल लुक या केयरफुली एग्जामिन करना किसी चीज को। ठीक है, तो विजिलेंस तो होगा नहीं। यहाँ पे है ब्लैंक एंड डिसरिगार्ड। तो डिसरिगार्ड जो है एक नेगेटिव वर्ड है, तो एंड से पहले भी कोई नेगेटिव वर्ड ही आएगा। एंड से जब भी हम किसी दो चीजों को ज्वाइन करते हैं तो वो सेम ही कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए। जैसे अगर एंड से बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो उससे पहले भी क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस ही होगा। या फिर एंड से पहले अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो बाद में भी पॉजिटिव ही सेंटेंस होगा। ठीक है, तो हमें यहां से पता चल रहा है कि डिसरिगार्ड यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, तो एंड से पहले भी कोई नेगेटिव सेंटेंस ही आएगा। ठीक है, तो विजिलेंस तो यहाँ केयरफुल लुक हो गया, केयरफुल एग्जामिनेशन हो गया, तो वो तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, स्टूडियस, स्टूडियस क्या होता है, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पढ़ाकू। ठीक है, जो पढ़ने में अच्छा हो। केयरफुल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टूडियस हमारे पास एग्जिस्टेंस, तो एग्जिस्टेंस होता है किसी का वजूद, तो एग्जिस्टेंस भी बिल्कुल नहीं आएगा, तो इग्नोरेंस आएगा। ठीक है, क्योंकि इग्नोरेंस एक नेगेटिव वर्ड है। तो हिज अटर इग्नोरेंस एंड डिसरिगार्ड फॉर द रूल्स ऑफ द जंगल लेड हिम टू हिज डिमाइज। नेक्स्ट हमारे पास, आई मेट एन ओल्ड डैश ऑफ माइन एंड कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एकम्प्लिशमेंट। तो एकम्प्लिशमेंट जो है एक नाउन है और उसका मतलब होता है किसी चीज को जो है गेन कर लेना। ठीक है, तो वो एकम्प्लिशमेंट जो है सेंटेंस में बिल्कुल भी फिट नहीं होगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास प्रोबेट। तो प्रोबेट एक लीगल टर्म होती है जिस जो कि विल के केस में यूज होती है, तो ये तो यहाँ पे बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। ठीक है, तो रिवाल्री का मतलब होता है कॉम्पिटिशन किसी दो पर्सन में किसी सेम चीज के लिए। ठीक है, तो रिवाल्री भी यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ पे सही सेंटेंस इसीलिए हमारा क्या है, एक्वेटेंस। एक्वेटेंस का मतलब होता है कोई हमारा जानकार। ठीक है, जानने वाला, जानकार। ठीक है,
तो यहाँ पे सही सेंटेंस बनेगा आई मेट एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माइंड एंड कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। तो यहाँ से नेक्स्ट है हमारे पास एरर डिटेक्शन। तो हमारे पास सेंटेंस दिया गया है, इवन आफ्टर हैविंग प्रॉमिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स ड्यूरिंग हिज कैंपेन द मिनिस्टर वॉज नॉट एबल टू बिल्ड मैनी हॉस्पिटल इन द विलेज। ठीक है, तो यहाँ पे एरर बताना है आपको कि किस पार्ट में एरर है। तो हमारा एरर जो है वो है पार्ट डी में, यहाँ पे हॉस्पिटल में एरर है हमारा। क्यों हॉस्पिटल, हॉस्पिटल तो एक सिंगुलर नाउन हो गया, ठीक है, तो मैनी लगाया हमने जब, तो इसके साथ क्या लगाना चाहिए हमें, एस, प्लूरल नाउन बनानी चाहिए इसको, मैनी हॉस्पिटल्स। ठीक है, फिर हमारे पास माय ग्रैंडफादर इंसिस्टेड दैट माय ब्रदर एंड आई शुड मस्ट गो टू द विलेज फेयर विच इज ऑर्गेनाइज्ड ओनली वंस इन 5 ईयर्स। तो इसमें है हमारा पार्ट सी में, क्योंकि हम जो है दो जो मॉडल्स होते हैं उनको कभी भी इकट्ठा नहीं लिखते, शुड और मस्ट जो क्या है आपके पास मॉडल्स है, ठीक है, तो वो दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएंगे, तो इनमें से आपको एक लगाना पड़ेगा। तो आप कैसे बोलोगे, माय ग्रैंडफादर इंसिस्टेड दैट माय ब्रदर एंड आई शुड गो टू द विलेज, या आई मस्ट बोल सकते हो आप, ठीक है, लेकिन दोनों साथ में यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इधर अ सिंगर और अ म्यूजिक डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड टू गिव अवे द प्राइजेस टू द स्टूडेंट। तो आपको बताना है कि इसमें किस पार्ट में एरर है। तो हमारा जो एरर है वो है पार्ट बी में। मैं आपको नाउन के रूल में बताया था कि हम जो है इधर और के साथ क्या यूज करते हैं, कौन सी वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर, नीदर नॉर इधर और, इन सब के साथ जो है हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर। तो यहाँ पे वर्ब हमने कौन सी यूज की है, प्लूरल, आर यूज किया है हमने, तो इसकी जगह क्या आना चाहिए, इज। आइदर अ सिंगर और अ म्यूजिक डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू गिव अवे द प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स। मिनी मॉक टेस्ट में किए हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते ही हैं आपके बैंक एग्जाम में, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या तो आपको मिस स्पेल्ट मिल जाएगा, एरर डिटेक्शन तो रहती रहती है, साथ में क्लॉज टेस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।